तो आज हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में बेसिक्स क्या क्या होता है वो देखेंगे। तो ए वाला रेफरेंस बुक है लेटेस्ट सी, इसका 5th एडिशन है, उसके नए नए एडिशन भी है, बट इसमें बेसिक कंसेप्ट वो भी रिवाइज किए तो भी चलेगा। तो ऑथर का ओके नाम है यशवंत कानेटकर, वेरी फेमस बुक फॉर सी प्रोग्रामिंग। तो उनके बहुत सारे बुक्स हैं अदर प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के लिए, वो भी बहुत फेमस है, सी प्लस प्लस, देन सी शार्प, डॉट नेट। सो दिस इज द बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स। सो इसमें कंटेंट में क्या क्या है हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे स्टार्ट हुई, देन बेसिक ऑफ सी प्रोग्राम, उसमें हम देखेंगे कि कैरेक्टर सेट, कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, देन कांस्टेंट के कुछ टाइप्स है तो वो देखेंगे, और कुछ रूल्स देखेंगे वेरिएबल्स बनाने के लिए, देन ओके कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं जो रिजर्व वर्ड्स है तो वो देखेंगे, देन जावा का एक जैसे पहला प्रोग्राम किया था आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, वैसे ही सी का पहला प्रोग्राम करेंगे हेलो वर्ड का, टू ओके डिस्प्ले मैसेज। उसके बाद में देखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कंपाइल और इंटरप्रेट होती है, वैसे ही सी लैंग्वेज कैसे कंपाइल होती है और प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है वो देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि हम यूजर से इनपुट कैसे देते हैं, स्कैन एफ, प्रिंट एफ, वो देखेंगे। देन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिलीशन, वो देखेंगे। देन कुछ टाइप कन्वर्जन, इंटीजर से फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट से इंटीजर में वाइस वर्सा कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। देन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जैसे हम लूप सीखते हैं तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं सी में, वो देखेंगे। तो ये हो गया पहला चैप्टर। सेकेंड चैप्टर रिलेटेड टू द डिसीजन कंट्रोल्स, कौन कौन से लूप होते हैं। तो हमें पता है इफ लूप, तो इफ लूप देखेंगे कैसे सी प्रोग्रामिंग है इफ लूप यूज करते हैं। इफ के बाद इफ एल्स, जब दो कंडीशन होती है तो इफ एल्स लूप यूज करते हैं, वो भी देखेंगे। देन इफ के अंदर कुछ इफ होता है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, तो ये कैसे यूज करेंगे वो भी देखेंगे। देन लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन मतलब नॉट एंड और, वो ओके okay. देखेंगे। देन इसकी समरी कि क्या क्या सीखा इसमें हमने, लूप सीखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखे, लॉजिकल ऑपरेटर सीखे, वो समरी देखेंगे। ये हो गया सेकंड चैप्टर। थर्ड ओके okay. तो इसमें कंडीशन के बाद लूप, कौन कौन से लूप होते हैं। तो पहला लूप होता है व्हाइल लूप, तो वो देखेंगे उसका सिंटैक्स क्या है, उसके प्रोग्राम्स। व्हाइल के बाद होता है दूसरा लूप फॉर लूप, तो उसमें कितने टाइप के कंडीशंस होते हैं, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो देखेंगे उसका सिंटैक्स क्या होता है। क्या हम ओके मल्टीपल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं फॉर लूप में, वो देखेंगे। देन फॉर लूप में हम कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेक, कंटिन्यू, तो इसका यूज देखेंगे क्या होता है, ब्रेक किया तो, कंटिन्यू किया तो। उसके बाद देखेंगे डू व्हाइल लूप, व्हाइल के जैसे ही डू व्हाइल लूप होता है वो देखेंगे। ओके सो जनरली इसमें हम लूप्स देखेंगे, पहला हो गया व्हाइल, देन दूसरा है फॉर लूप, और तीसरा है डू व्हाइल। ओके तो ये हो गया थर्ड ओके चैप्टर। फोर्थ इसमें हम स्विच केस देखेंगे कि हमें अलग अलग केसेस है प्रोग्राम में, वन टाइप किया तो यहाँ जाना चाहिए, टू टाइप किया तो वहाँ जाना चाहिए, तो इसके लिए हम स्विच केस यूज करते हैं। तो वो देखेंगे कि स्विच केसे हम प्रोग्राम में ऐड करते हैं। देन डिफरेंस देखेंगे स्विच और इफ एल्स में। और लास्ट फोर्थ चैप्टर छोटा है, इसमें देखेंगे कि गो टू कीवर्ड का यूज क्या होता है।
ओके, ओके ये हो गया फोर्थ चैप्टर। नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर फंक्शंस एंड पॉइंटर। ओके, तो फंक्शन क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, देन उसमें फंक्शन में हम कुछ वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद एडवांस फीचर्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसे होता है, जो वैल्यू पास करते हैं उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, तो उनमें डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। उसके बाद पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होगा, उससे हम फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, तो ये सारा देखेंगे फंक्शंस में। देन रिकर्शन, रिकर्शन क्या होता है, उसमें स्टैक का यूज क्या है वो देखेंगे फिफ्थ चैप्टर में। देन ओके सिक्स चैप्टर में हम देखेंगे कि कुछ वेरिएबल यूज करने के लिए हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, तो कौन कौन से डेटा टाइप्स है सी में, इंटीजर्स, लॉन्ग, शॉर्ट, साइन इंटीजर्स, अनसाइंड, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, सो बहुत सारे डेटा टाइप्स है वो देखेंगे। देन वो स्टोर करने के लिए डेटा अलग अलग स्टोरेज क्लासेस है, तो ये पांच स्टोरेज क्लासेस है। एटोमेटिक क्लास क्या होता है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होता है, स्टैटिक स्टोरेज क्या होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होता है, और कौन सा क्लास कब यूज करना है वो देखेंगे सिक्स चैप्टर में। ओके ओके देन सेवेंथ, द प्री प्रोसेसर, कि कोई भी सी प्रोग्राम शुरू होता है तो ऐसे हैश से होता है, राइट, हैश इंक्लूड जी सर हैश, तो ये देखेंगे कि इसका यूज क्या है, उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर, कि कुछ भी जो हेडर फाइल है उसमें फाइल इंक्लूड करना, तो ये देखेंगे सेवन चैप्टर में उसका यूज क्या ओके है, इफ डायरेक्टिव्स, इलिफ डायरेक्टिव्स वो देखेंगे। देन एट्थ में देखेंगे एरेज, एरे क्या होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम एरे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, फिर एरे इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसकी बाउंड्री वैल्यू कैसे चेक करते हैं, उसके एलिमेंट्स कैसे हम डिस्प्ले करते हैं। देन एरेज में पॉइंटर हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो पॉइंटर को लेकर एक एरे का एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। देन ओके एरे के अलग अलग डायमेंशंस है, फर्स्ट डायमेंशनल एरे, देन सेकंड डायमेंशनल एरे हम कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे मैट्रिक्स के लिए होता है रोज एंड कॉलम्स, 2 बाय 2 मैट्रिक्स, 1 2 3 4, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हमें सिंगल डायमेंशन से नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें रोज भी है और कॉलम्स भी है, तो इसके लिए हमें 2 डायमेंशनल एरे चाहिए। तो ओके वो 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनाएंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, उसको डेटा कैसे असाइन करेंगे, उसमें पॉइंटर का यूज कैसे करेंगे, उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो टू ओके डायमेंशन के बाद 3 डायमेंशनल एरे, फॉर एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड, उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई एंड जेड, राइट, तो यस वो कैसे बनाएंगे उसका डिटेल नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ओके देन उसके बाद देखेंगे कि स्ट्रिंग ऑपरेशन हम सी में कैसे कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग लाइक strlen, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ के लिए हम ये ओके फंक्शन यूज करते हैं, strcpy मीन्स स्ट्रिंग कॉपी। देन नेक्स्ट strcat मीन्स स्ट्रिंग कॉनकैट, एंड लास्ट स्ट्रिंग कंपेयर, ओके तो ये फंक्शन देखेंगे हम कैसे यूज कर सकते हैं, और बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस देखेंगे। ओके तो इसमें भी अलग अलग डायमेंशंस के कैरेक्टर होंगे, 2 डायमेंशनल, तो वो भी देखेंगे। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस है इसके, वो भी देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर्स टू द स्ट्रिंग। देन स्ट्रक्चर, जो हमारा मॉडल था फोर्थ मॉडल, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर क्यों यूज करना है वो देखेंगे। देन उसका सिंटैक्स क्या होता है, स्ट्रक्चर के मेंबर कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में हम डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं वो देखेंगे। देन ओके यूज ऑफ स्ट्रक्चर,
तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर है। इसमें हम कंसोल में इनपुट और आउटपुट कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं वो देखेंगे, यूजर से इनपुट करने के लिए और कुछ ऑपरेशन का रिजल्ट है वो डिस्प्ले करने के लिए। तो उसके लिए अलग अलग ओके फंक्शन है, यस प्रिंट एफ, एस स्कैन एफ, वो देखेंगे। देन फाइल ऑपरेशन के लिए नेक्स्ट चैप्टर है, फाइल इनपुट एंड आउटपुट। तो अलग अलग चैप्टर्स है, हम क्या करेंगे जो आपके लिए एग्जाम में ये है, सिलेबस में वो करेंगे, मैप करेंगे, और उसके बाद हम वही चैप्टर कवर करेंगे। ओके 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 यस सर, यस सर। या बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ चैप्टर्स आर देर, सो सम आर नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस। ओके सो यस सर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। सो जस्ट वी विल डू द ओवरव्यू ऑफ सी प्रोग्राम। सो फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। ओके व्हाट इज सी? ओके ओके सो दिस इज डेवलप इन 1972 इन एटी एंड टीज बेल्स लैब इन यूएसए, एंड इट इज रिटन बाय डेनिस रिची। ओके ओके एंड आफ्टर सी, सी हैविंग सम लिमिटेशंस, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, सी शार्प एंड जावा आर इंट्रोड्यूस्ड। सो वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल्स लाइक वट एवर द मशीन्स ऑन दैट दे हैव डेवलप, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके ओके सो लाइक एनी लैंग्वेज वी हैव टू लर्न, वी नो द बेसिक्स, कि कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें हमें अल्फाबेट सीखते हैं, देन वर्ड सीखते हैं, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट इज वर्ड, सो वर्ड से बनता है सेंटेंस, सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ, राइट? तो वैसे ही सी लैंग्वेज यस सर। सीखने के लिए अलग अलग स्टेप्स है। तो पहले हम देखेंगे कि क्या क्या यूज कर सकते हैं हम। तो सी में सारे अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, कैपिटल ए टू जेड टू स्मॉल ए टू जेड, ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, ऑल स्पेशल सिंबल्स अंडरस्कोर देन डॉलर अस्टेरिक, सो ऑल द सिंबल्स वी कैन यूज। देन हम कांस्टेंट बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो वी नो दैट कि उसमें हमें पाई यूज करना है, 3.14, तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू एवरीवेयर दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, 22/7 और 3.14, राइट? ओके सो कांस्टेंट कैसे बनाना है वो सीखेंगे। उसके बाद वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब क्या, कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल लास्ट सेमेस्टर में आपको अलग ग्रेड मिले, नेक्स्ट सेमेस्टर में अलग ग्रेड मिलेंगे, उसकी ग्रेड की वैल्यू चेंज होती रहेगी। देन कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल जो इफ है वो कीवर्ड है, एल्स है वो कीवर्ड है, फॉर है वो कीवर्ड है, क्या? क्योंकि वो कंट्रोल स्ट्रक्चर के लूप्स है, उसको हम वेरिएबल्स नहीं बना सकते। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सी में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मीन्स रिजर्व वर्ड्स जो हम यूज नहीं कर सकते। ओके ओके उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे कंपाइलर के लिए कि प्रोग्राम कैसा होगा। तो उसमें होगा मेन मेथड होगा, वेरिएबल्स होंगे, प्रिंट एफ होगा, वो गया इंस्ट्रक्शन, और ये इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन मतलब हमारा प्रोग्राम बना। ओके
ओके तो जब हम सी लैंग्वेज सीखेंगे तो उसमें पहले सीखेंगे कि क्या क्या हम यूज कर सकते हैं कैरेक्टर सेट। तो इसमें हम अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, सारे डिजिट यूज कर सकते हैं और स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं, लाइक दिस ओके अल्फाबेट्स डिजिट्स एंड सिंबल्स। सो एवरीथिंग वी कैन यूज इन अवर सी प्रोग्राम। ये तो हो गया। उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है, यस सर एंड वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट मार्क्स, ओके तो इसको मैं 90 मार्क्स ओके असाइन करता हूँ। बाद में उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैंने और स्टडी किया तो मुझे 92 भी आ सकता है। तो ये उसकी वैल्यू प्रोग्राम में हम चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ओके देन कीवर्ड्स जो रिजर्व वर्ड है, तो ये देखो उन्होंने एक वेरिएबल का एग्जांपल दिया है, एक्स नाम का वेरिएबल है। सो फर्स्ट हमने उसमें 3 स्टोर किया, तो बाद में यस हमने कुछ इंक्रीमेंट कर दिया +2 से और उसका वैल्यू बन गया 5। तो वेरिएबल का वैल्यू ओके हम चेंज कर सकते हैं, इट कैन ओके ओके होल्ड द डिफरेंट वैल्यूज। अभी जो कांस्टेंट है उसके दो टाइप्स है, पहला है प्राइमरी कांस्टेंट और दूसरा है सेकेंडरी कांस्टेंट। तो इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी यह देख लो कि कांस्टेंट के दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट। तो प्राइमरी कांस्टेंट मतलब एक ही डेटा टाइप है इसमें, इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा या कैरेक्टर होगा, ओके। एंड ओके सेकेंडरी कांस्टेंट मतलब उसमें कलेक्शन होगा, कि उसमें एरे होगा। एरे में क्या होता है कि एक या टाइप का डेटा मल्टीपल्स इसमें होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एरे बनाया तो उसमें अलग अलग इंटीजर्स है, 1, 2, 3, 4, ये हो गया एरे। पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, उसमें मल्टीपल्स डेटा होता है, तो ये हो गया सेकेंडरी कांस्टेंट, ओके। ओके तो इसका वेरिएबल बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो ये हो गए रूल्स। तो इन्होंने 6 रूल दिए हैं। तो पहला रूल क्या है कि जब हम इंटीजर कांस्टेंट बनाते हैं तो उसमें एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए। तो ये इंटीजर है तो इसमें हम फ्रैक्शन का डेटा नहीं असाइन कर सकते, ओके। फॉर ओके एग्जांपल हमने इंटीजर ए इज इक्वल टू 9 किया और बाद में ए इज इक्वल टू 2.3 असाइन करने की कोशिश की, तो इसमें हमें एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर मतलब फुल वैल्यू, नॉट विथ फ्रैक्शन, इंटीजर वैल्यू ओनली। यस सर देन इसमें हमें कॉमा या कुछ ब्लैंक स्पेस असाइन नहीं कर सकते इंटीजर में, ओके एंड उसका कुछ रेंज है, इंटीजर में हम इतना ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं, -32,768 टू +32,767, इसके बीच में ही हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नहीं तो हमने किया इंट ओके बी इज इक्वल टू 999,999, तो ये इसकी कैपेसिटी नहीं है, इसके लिए हमें दूसरा डेटा टाइप यूज करना होगा, लॉन्ग या डबल, ओके। ओके एंड जब ये सी लैंग्वेज बना तब 16 बिट का कंपाइलर टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस यूज करते थे, ओके। अब हम अदर कंपाइलर ओके यूज कर सकते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो हम यूज करते हैं, या विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं, या इक्लिप्स यूज करते हैं, बट तब ये ब्लू विंडो वाला एक टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस जिसमें हमने सी प्रोग्रामिंग सीखा था, ये कंपाइलर हम यूज करते थे। ओके तो ये हो गया रूल्स फॉर इंटीजर। फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रियल कांस्टेंट, रियल मतलब फ्लोट, इंटीजर विद फ्रैक्शन, ओके। तो उसके यस लिए भी सेम
सेम रूल्स है कि अभी हम फ्रैक्शन लेंगे तो कुछ तो उसमें एटलीस्ट 1 डिजिट डेटा होना चाहिए। जो फ्लोट होता है या रियल होता है इसमें हम इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में उन्होंने दिया है 426, इसमें कुछ फ्रैक्शन नहीं है, मतलब फ्रैक्शन होगा 0, तो इसमें हम स्टोर कर सकते हैं इंटीजर या इंटीजर ओके विथ फ्रैक्शन। देन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, दोनों हम स्टोर कर सकते हैं। एंड सेम रूल, इसमें हम कॉमा और ब्लैंक स्पेस नहीं यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके यस पांच सर रूल। तो अलग अलग रूल्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए रूल्स। तो कैरेक्टर में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट या सिंगल स्पेशल सिंबल, बट एक ही। फॉर एग्जाम्पल, ए हमने स्टोर किया या बी स्टोर कर दिया, कि एक से ज्यादा नहीं स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो यस दिस इज द एग्जाम्पल, कैपिटल ए, कैपिटल आई, 5 स्टोर कर सकते हैं, इक्वल टू स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गए कॉन्स्टेंट्स। क्लियर है? कुछ डाउट होगा यस तो सर पूछ सकते हो। हाँ नो सकते यार तो कांस्टेंट के बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल है, तो इसमें हम कौन सा भी अल्फाबेट से वेरिएबल स्टार्ट कर सकते हैं, ए से जेड तक। ओके, देन सेकेंड रूल है, जो हमारा वेरिएबल का नाम शुरू होगा आइदर वो अल्फाबेट से होगा या अंडरस्कोर से होगा, नंबर से या स्पेशल सिंबल से नहीं होगा, अदर देन अंडरस्कोर। क्लियर है? यस वो डॉलर से नहीं होगा या कुछ नंबर से नहीं होगा। सेम कांस्टेंट के जैसे ही इसमें कॉमास एंड ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है, एंड स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है अदर देन अंडरस्कोर। सो दीज आर द वैलिड एग्जाम्पल्स ऑफ द वेरिएबल्स। सिंपल इंटरेस्ट, उसके लिए हम SI अंडरस्कोर INT यूज कर सकते हैं। अभी इनवैलिड क्या है कि कुछ नंबर से शुरू हुआ, नो अंडरस्कोर कैर रैक्टर, तो ये इनवैलिड है क्योंकि ये नंबर से शुरू हुआ या कुछ स्टार से शुरू हुआ, ये भी इनवैलिड वेरिएबल है। गेटिंग? सर ये वापस एक बार सुनिए क्या क्या? सही बार वापस एक्सप्लेन करते हैं हाँ, तो विच आर द वैलिड एग्जाम्पल, तो दीज आर द वैलिड एग्जाम्पल जो अल्फाबेट से शुरू हुए हैं। तो ये हो गया SI से, सो अल्फाबेट से शुरू हुआ वो वैलिड है, ये भी M से शुरू हुआ और उसमें अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर अलाउड है, इसमें एक ही स्पेशल ओके सिंबल यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर। ओके बट कुछ नंबर से मैंने शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल 1 अंडरस्कोर गो, तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये नंबर से शुरू हुआ। या ओके दूसरा कोई मैंने स्पेशल सिंबल यूज किया, एक्सक्लेमेटरी मार्क कम, ये वेरिएबल वैलिड नहीं है क्योंकि ये स्पेशल सिंबल से शुरू हुआ अदर देन ओके ओके अंडरस्कोर। गेटिंग? यस यस तो ये वाले वैलिड वेरिएबल्स हैं। तो इसमें हम कोई भी डेटा टाइप दे सकते हैं, ये इंट, मतलब इस सारे वेरिएबल्स में इंटीजर वाला डेटा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, SI में हम 90 स्टोर कर सकते हैं, 900 स्टोर कर सकते हैं, 9000 स्टोर कर सकते हैं। ओके, ओके ये फ्लोट वाला डेटा है, मतलब इसमें हम इंटीजर विथ फ्रैक्शन स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेसल इज इक्वल टू 91.89, फ्रैक्शन वाला भी स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसका डेटा टाइप फ्लोट है। बट पहले वाला जो इंटीजर है उसमें हम फ्रैक्शन नहीं स्टोर कर सकते, 90,000.01, ये नहीं स्टोर कर सकते। क्यों? क्योंकि
क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर ही है, समझ पा रहे हो? सर ये नहीं बात सर। अभी पहला डेटा टाइप क्या है? इंट है, राइट? ये दिख रहा है इंट। यस सर। ये वेरिएबल का डेटा टाइप है इंट, और उसका नाम वेरिएबल का है एस आई। ओके, यस सर। मैं एक व्हाइट बोर्ड लेके एक्सप्लेन करता हूँ। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? हेलो सर। अभी दिख रहा है? यस सर। ओके, अभी मैं एक सी का प्रोग्राम लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरा हेडर फाइल है हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, और यहाँ पे मेरा इंट मेन स्टार्ट हुआ। ओके, यस सर। अभी मेरा यहाँ पे कर्ली ब्रेस में कोडिंग स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे मैंने कोई भी प्रोग्राम में पहले वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो इसमें मैं कुछ भी इंटीजर वाला डेटा स्टोर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप है जो पहले वाला है वो इंटीजर है, इसको बोलते हैं डेटा टाइप। ओके, ओके और ये जो ऐसा है उसको बोलते हैं वेरिएबल नेम। गेटिंग? सर, एक बार समझाएं। जो पहला वाला लिखा है वो हो गया डेटा टाइप, ओके और दूसरा उसके बाद में लिख रहे हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल का नाम। ओके ओके अभी ये वेरिएबल में ये हमने लाइन लिखी, तो कंप्यूटर के इंटरनल में क्या हो जाएगा, एक मेमोरी अलोकेट हो जाएगी इस वेरिएबल के लिए, उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, एस आई। गेटिंग? यस सर। अभी इसमें हम कोई भी इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। एस आई इज इक्वल टू 90 सेमी कोलन, ये कर दिया तो क्या हो जाएगा, इस मेमोरी लोकेशन में 90 स्टोर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ओके तो यस सर। इंटरनल इंटरनल ऑपरेशन। अभी मुझे लगा कि इसकी वैल्यू चेंज करनी चाहिए, तो मैं फिर से लिखूंगा एस आई इज इक्वल टू 98। तो क्या हो जाएगा, सेमी कोलन सिंटेक्स करेक्ट है, तो 90 की जगह 98 ओवरराइट हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिक। अभी मेरा ये वाला है तो मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, तो इसकी जगह सेम वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, कौन सा वाला, सिंपल इंटरेस्ट, बट इसमें मैंने क्या किया, वैल्यू स्टोर की 90.90। ओके, तो इसमें क्या होगा, एरर आ जाएगा, ये प्रोग्राम आप कंपाइल करोगे तो इस लाइन पे एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने तो इसके लिए डेटा टाइप कौन सा दिया है, इंट दिया है, राइट? यस सर। बट इसमें मैंने इंट डेटा नहीं स्टोर किया, इसमें मैंने फ्लोट वाला डेटा स्टोर किया है 90.90, तो ओके एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये जगह तो सिर्फ इंटीजर के लिए है, तो आपको जब इंटीजर विथ फ्रैक्शन करना है तो आपको बड़ी मेमोरी लगेगी ओके90.90 वाली, तो ए इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ए एरर थ्रो करेगा, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ओके यस गेटिंग? यस कि जो डेटा टाइप है वही डेटा हम असाइन कर सकते हैं इस वेरिएबल में, दूसरा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट में कुछ स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश की, अकुल, तो इस लाइन पे मुझे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका टाइप इंटीजर ही है, इसमें सिर्फ ही इंटीजर ही हम स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर या ओके स्ट्रिंग नहीं स्टोर कर सकते। ओके 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 सर।
गुड. सो गेटिंग, यस तो इसी प्रकार हम अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं. तो सेकंड वाला देखो, अभी फ्लोट बेसल, मतलब इसमें हम इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं और इंटीजर विथ फ्रैक्शन भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 91.98, क्योंकि इसकी मेमोरी बड़ी है तो इसमें स्टोर कर सकते हैं. यस सर देन ओके तीसरा टाइप है कैरेक्टर, कैरेक्टर कोड. तो इसमें हम कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सिंगल कोट में कैपिटल ए, तो ये हम स्टोर कर सकते हैं इसमें. ओके यस तो ये हो गया वेरिएबल. उसके बाद सी में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, उनको बोलते हैं कीवर्ड. तो उनको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते. तो कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं उसका टेबल दिया है नेक्स्ट पेज पे उन्होंने. तो ये वाले सारे ओके जो 31, 32 है, सारे कीवर्ड्स हैं. जो ब्रेक ओके हम यूज करते हैं लूप्स में, ब्रेक, देन कुछ एल्स केस, स्विच केस, फॉर लूप, कुछ स्विच केस, कुछ डेटा टाइप्स इंट, लॉन्ग. तो ये वेरिएबल के ओके नाम से यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल मैं ऐसे प्रोग्राम में नहीं कर सकता इंट इंट और वेरिएबल का नाम मैं ऐसे दे नहीं सकता फॉर. ये दिया तो इस लाइन पे एरर आएगा, क्योंकि फॉर लूप का नाम है, हम वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते इसको. समझ पा रहे ओके हो? यस यस तो हम वेरिएबल क्रिएट करना है. जैसे हमने क्रिएट किया इंटीजर स्पेस यस आए, तो ए करेक्ट है, बट फॉर लूप और या कुछ अलग मैंने कीवर्ड दे दिया इंट और उसको नाम दे दिया गो टू. यहाँ पे देखा ओके तो गो टू कीवर्ड है, तो ये वैलिड नहीं है, ये वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा. ओके okay? ओके अब हम पहला सी प्रोग्राम देखेंगे कि सी में कैसे कोई मैसेज डिस्प्ले होता है. जैसे आपने देखा होगा जावा में क्या करते हैं हम मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट? यस और इसमें मैसेज प्रिंट करते हैं कुछ भी, वेलकम या कुछ होगा. तो अभी सी में देखेंगे कि कैसे हम कुछ मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं. तो ये हो गया सी का पहला प्रोग्राम. तो उसकी जगह हम एक छोटा प्रोग्राम ले लेते हैं. ओके, तो ओके कौन सा भी सी प्रोग्राम हो, कौन सा भी, तो वो मेन मेथड से शुरू होता है. जैसे आपने जावा में देखा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट? यस तो इसमें मेन का सिंटैक्स छोटा ही है, मेन. ओके, तो यस प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू होगा. पहले हम मेन मेथड लिखते हैं और इसमें लिखना है प्रिंट एफ, देन राउंड ब्रैकेट एंड डबल कोट में मैसेज देना है. फॉर एग्जांपल मुझे ओओपी प्रिंट करना है. हो गया पहला सी का प्रोग्राम. और जैसे जावा में इंपोर्ट होता है तो इसमें हेडर फाइल्स होता है जो हैश से शुरू होता है, हैश ओके इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. ये आप टाइप करोगे तो इसमें मेन में आप कुछ रिटर्न टाइप दे सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट है, इंट है तो लास्ट में कुछ तो इंटीजर रिटर्न होगा, तो इसका लास्ट लाइन होगा रिटर्न 0 और सेमी कोलन. ओके, ओके अभी हम ये प्रोग्राम करके देखते हैं. ओके चलेगा? ओके यस यस ओके,
मेरा कंपाइलर दिख रहा है? यस या तो आपने डायरेक्टली कोई भी कंपाइलर ओपन कर दिया तो उसमें हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ओके सेम सिंटेक्स है, मैंने जो बताया था वही। तो यहाँ लाइन नंबर 9 से शुरू हो रहा है, दिख रहा है क्या? या फॉन्ट बढ़ाओ थोड़ा सर थोड़ा बड़ा। सा। क्लियर? यस सर। अभी यहाँ पे देखो लाइन नंबर 9 जो है, यो जो पहले लाइन नंबर 1 to 7 है वो कमेंट है। तो कमेंट लिखने के लिए ये वाला सिंटैक्स है। कमेंट किस लिए? कि जो प्रोग्राम लिखे है उसका यूज क्या है, उसमें क्या कर रहे हैं, वो हम कमेंट में लिख रहे हैं। क्या इसमें हमने सी कंपाइलर यूज किया है और उसको कंपाइल कैसे करते हैं और रन कैसे करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन दिए है। एक्चुअल ओके प्रोग्राम 9 से स्टार्ट होता है, ओके? और उसमें ज्यादा ओके स्पेसेस दिए उन्होंने मॉड्यूलर दिखने के लिए। तो पहला है हमारा, इसको बोलते हैं हेडर फाइल। तो इसमें सारे फंक्शंस होते हैं, उसको हमें इंक्लूड करना होता है, ओके? स्टैंडर्ड ओके इनपुट और आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है मेन फंक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम का। तो इसमें क्या लिखा है हमने कि प्रिंट एफ, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? कि जो डबल कोट में दिया है वो एज इट इज प्रिंट कर दो, हेलो वर्ल्ड। और जो मेन के पहले हमने इंटीजर लिखा है, मतलब जो प्रोग्राम एंड होने के बाद कुछ तो इंटीजर वैल्यू आना चाहिए, तो हमने लास्ट में लिख दिया रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो 0 रिटर्न करेगा, ओके? यस सर। अभी देखेंगे ये 5 लाइन का आउटपुट क्या आता है। तो रन करने के लिए यहाँ पे है रन ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, पहला प्रोग्राम सी का। तो इसमें हेलो वर्ल्ड की जगह हमने कुछ भी चेंज कर दिया तो जो लिखा है वो एज इट इज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रास्कर क्लासेस। और ये मैंने फिर से रन कर दिया तो कंपाइल भी होगा और रन भी होगा, तो आउटपुट आएगा जो हमने लिखा है वो। कुछ डाउट है? नो सर। अभी हम देखेंगे कि इसमें हम वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। तो मैंने मुझे एक इंटीजर का वेरिएबल बनाना है, तो पहले डेटा टाइप यूज करना है। डेटा टाइप क्या? इंटीजर के लिए इंट डेटा टाइप है, ओके? और जैसे हमने वेरिएबल देखा था सिंपल इंटरेस्ट, तो वही लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट को, ओके? ओके अभी इसको प्रिंट करना है मुझे, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा? या मैं हटा देता हूँ मैसेज का। तो उसको प्रिंट करने के लिए भी प्रिंट एफ ही मेथड है। उसमें इंटीजर है इसलिए परसेंट डी, देन डबल कोट कंप्लीट कॉमा और वेरिएबल का नाम यस आई। अभी ओके हम रन करेंगे उसको, ओके इसका वैल्यू 0 आया। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज ही नहीं किया था, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे और कुछ वैल्यू ऐड ही नहीं किया। तो कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं किया तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू असाइन करता है उसको। ओके अभी इसके बाद मैंने इसमें अलग वैल्यू डाल दी 90, ओके? ओके अब क्या आएगा इसका आउटपुट? जो हमने लाइन नंबर 14 में असाइन किया है 90 आना चाहिए, देखेंगे। यस अब सर। रन करता हूँ, 90 आया। समझ में आ गया? यस सर। इस SI में जो भी वैल्यू डालेंगे वो प्रिंट करेगा। अभी बाद में मुझे 90 नहीं करना है, तो बाद में मुझे लगा कि 98 करना है, तो मैंने 98 किया और रन किया। अभी क्या प्रिंट करेगा वो? 90 करेगा या 98 करेगा? सर 98। जो लेटेस्ट वाला है वो प्रिंट करेगा 98। अभी
एवरी सी प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन है वो सेमी कोलन से एंड होता है, तो मैंने कुछ भी सेमी कोलन मिस कर दिया और रन किया तो मुझे एरर आएगा, और वो बता ओके देगा कि कौन से लाइन पे एरर है। यहाँ पे वो बोल रहा है लाइन नंबर 50, दिख रहा है क्या? और वो ओके लाइन भी हाँ वो हाईलाइट करेगा, SI 98 में एरर है, तो यहाँ पे ओके ओके मैं करेक्ट कर सकता हूँ मेरा जो मिस्टेक है वो सिंटेक्स एरर। अभी मैंने ये इंटीजर किया और इसमें हम मैं फ्रैक्शन वाला डेटा असाइन कर रहा हूँ, अभी मेरा सिंटेक्स करेक्ट है बट भी रन टाइम में मुझे एरर आएगा 98। उसने क्या किया, जो फ्रैक्शन वाला है वो हटा दिया और सिर्फ इंटीजर भी प्रिंट कर दिया। समझ में आ रहा है? ओके यस सर तो इन लेटेस्ट कंपाइलर में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो एरर थ्रो करने के बजाय सिर्फ वो उसका इंटीजर का पार्ट टाइपकास्ट कर रहा है और इंटीजर का वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको समझ में आया होगा। सो सर व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि जो हमने आज सीखा है उसका प्रैक्टिस। ओके या सो ऑल्सो यू कैन ओपन द ऑनलाइन सी कंपाइलर एंड ट्राई टू डू सी सेम प्रोग्राम्स। ओके कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, तो ठीक है मैं सर देखूंगा। सो ओके सर विल मीट टुमारो सेम टाइम। ओके सर सो यू कैन सेंड वट एवर द क्लास मटेरियल यू आर हैविंग, सो आई विल गो थ्रू इट। ठीक है सर मैं भेज देता हूँ ओके, थैंक यू, ओके बाय बाय।